में हम देखेंगे कि चिमनी फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, ओके, कि जब भी हम कोई चिमनी जो फैब्रिकेशन करते हैं उसका, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या स्टेप्स होता है। ओके, फॉर्मूला तो मैंने जो आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरे को ये लगता है कि सिर्फ फॉर्मूला जो है बता देने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला से सिर्फ आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो, लेकिन जो मेन उसका इम्पोर्टेंट काम है उसको बनाना, उसको फैब्रिकेट करना। ओके, तो यही आज मैं प्रोसेस आप लोगों को मतलब एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है इस काम को आसानी से कर पाए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नोट आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये पुराने लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, ये न्यू कमर्स जो नए लोग आते हैं इस फील्ड में उनको नॉलेज नहीं होता, उनके लिए वीडियो है। तो अगर आप इस फील्ड में अगर आप पुराने हो तो फिर ये आपके लिए नहीं है। ओके, तो आइए जानते हैं एक एक करके स्टेप्स। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि वीडियो को आप बिल्कुल जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो है इसमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए आप कहीं पे जो है गए और आपको इस टाइप से एक ड्राइंग दे दिया, ठीक है, और कहा कि इसका जो है फैब्रिकेशन वे करके दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लीजिए आपके पास ड्राइंग है, तो सबसे पहला स्टेप से आपको इसका डायमेंशन चेक करना। सबसे पहले आपको इसका डायमेंशन देखना। डायमेंशन में जैसे इसका आ गया हाइट, ठीक है, इसका कितना हाइट है। तो यहाँ पे देखिए हाइट, ये तो बिल्कुल नॉर्मल कॉमन चीज़ है, ये तो सभी कोई करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये वीडियो सिर्फ नए लोगों के लिए। ओके, तो अगर आप पुराने हो तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप वीडियो को यहीं पे बंद कर लीजिए। ओके, सबसे पहले आपको डायमेंशन देखना है, मतलब कि इसका क्या हाइट है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे इसका नीचे में लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका जो बॉटम डायमीटर है वो कितना है, इसका जो टॉप डायमीटर है वो कितना है। ये देखने के बाद उसके बाद आपको नेक्स्ट ये देखना है कि डायमेंशन में आपका सभी आ गया, जैसे इसका थिकनेस क्या है, डायमेंशन से रिलेटेड जो भी है वो सारा आपको फर्स्ट स्टेप में देख लेना है। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको देखना है कि जो इसमें मटेरियल लगेगा वो कितना मटेरियल लगेगा। ओके, क्योंकि अगर हमारे पास मटेरियल का कैलकुलेशन नहीं होता है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए सेकंड में हमें देख लेना है मटेरियल का क्या जो है कैलकुलेशन इसमें रिक्वायर्ड है। ओके, तो उसी हिसाब से फिर आपको इसका मटेरियल देखना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर लेते हैं एरिया या लोकेशन, आप कह सकते हो जगह, ठीक है। जगह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जो है जहाँ पे भी फैब्रिकेशन करने वाले हो वहाँ पे अगर जगह सही नहीं है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये जो है बिल्कुल कॉमन चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं ये सब बता रहा हूँ क्योंकि नए लोग को थोड़ा भी आइडिया होता नहीं है। मान लीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, या बेड, वर्किंग बेड जिसको आप बोल सकते हो। ओके, और यहाँ पर आपको बनाना है। ओके, तो आपने जगह यहाँ पर तो सेलेक्ट कर लिया बनाने के लिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आगे में रास्ता नहीं है, मतलब रास्ता जाम है, कि यहाँ से मतलब हाइड्रा या फिर जो भी है इसको उठाने के लिए या शिफ्ट करने के लिए यहाँ तक आने के लिए यहाँ तक बूम जो है नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, इधर कुछ मटेरियल रखा हुआ है तो यहाँ तक इसका बूम नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये आपको जो है खास ध्यान रखना है कि जो हाइड्रा का जो मूवमेंट हो वो बराबर हो पाएगा या नहीं, तो अगर यहाँ पर नहीं होता है तो आपको किसी दूसरी जगह पर बनाना है। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है कि जो हमारा जो शिफ्टिंग से रिलेटेड जो वर्क है या जो लिफ्टिंग से आप कह सकते हैं वो हमारा इजीली हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वरना फिर आप ये गलती, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार इस टाइप से गलती जो है किया हुआ था, तो इसलिए मैंने इस गलती को आपको जो है यहाँ पे बता दिया। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कुछ हेवी चीज़ मतलब फैब्रिकेशन कर रहे हो तो उसको बनाने से लेकर के उसको शिफ्टिंग तक का आपको जो है पहले प्री प्लान, मतलब पहले आपको इसका प्लानिंग कर लेना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चौथे नंबर पे हमने लिया हुआ है, जब आप बनाते हो तो जहाँ पे भी हम बनाते हैं, प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं या कहीं पे नीचे में बनाते हैं, प्लेट के ऊपर बनाते हैं, तो हम जो है गलती करते हैं, गलती ये होता है कि हम उसका लेवलिंग चेक नहीं कर लेते हैं, मतलब जो प्लेटफॉर्म हो गया, बेड हो गया, उसका लेवल हम नहीं देख लेते हैं, या लेवल में नहीं रहता तब भी हम बनाना चालू कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना फिर आपको जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो आपको खास ध्यान रखना है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म या बेड है उसको हमें जो है बिल्कुल लेवल रख लेना है, लेवल कर लेना है, अगर वो लेवल नहीं है तो बिल्कुल उसको जो है लेवल कर लेना है, लेवल करके बनाना है, वरना फिर जब आप इसका जॉइंट मिलाएंगे तो उसी समय जो है आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वही जो मैंने अभी आपको बताया शिफ्टिंग से रिलेटेड। तो शिफ्टिंग में यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, जैसे जब हम बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा 8 मीटर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए 8 मीटर ही है। ओके, तो जब हम फैब्रिकेशन करेंगे तो अगर हम इसको 8 मीटर अगर एक बार में फैब्रिकेशन अगर कर देते हैं
तो फिर हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम यह मान लीजिए ये और भी बड़ा है, ठीक है, ये 10 मीटर 12 मीटर का है, तो इसको अगर हम एक बार में इतना अगर बना देते हैं तो फिर जहाँ पे भी इसको लेके जाना है या फिर जहाँ पे भी इसको इरेक्शन करना है तो वहाँ पे हम उसको अगर नहीं ले जा पाएंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमें इसलिए इसको जब प्री प्लान मतलब पहले सोचना है कि जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, जब हम लेके जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारा फैब्रिकेशन हुआ और यहाँ तक हमें लेके आना है इरेक्शन करने के लिए, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें जो है इसका रास्ता, जो लेके जाने के लिए जो रास्ता है वो हमें देख लेना है कि रास्ता सही है या नहीं, ठीक है। कितना हाइट हम लेके जा सकते हैं वो सब आपको पहले ही बनाने के पहले आपको थोड़ा जो है प्लान करना है और सोचना है कि अगर हम इतना हाइट बना देंगे तो मतलब लेके जा सकेगा गाड़ी वाई वगैरह या नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से आपको फैब्रिकेशन करना है कि मान लीजिए ये 10 मीटर का हाइट है तो इसको हम जो है दो पार्ट में 5-5 मीटर करके बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा काम, या फिर 10 मीटर हम पूरा रख देंगे तो वो भी हो जाएगा। तो वो आपको जो है पहले एक बार ज़रूर देख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये अपने ये मैं ये जो है सब कहीं पे जो है आपको बुक में नहीं देखने को मिलेगा, ये सब मैं बिल्कुल अपना जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको जो है शेयर कर रहा हूँ। तो ये सब कोई रूल्स नहीं है लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस फेस किया हुआ यही सब मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इरेक्शन से रिलेटेड, ओके। तो इरेक्शन से रिलेटेड क्या है, जैसे मान लीजिए इसको इरेक्शन करना है 3-4 पार्ट में, ओके। तो अब आपको पहले प्लान करना होगा कि मान लीजिए इसको यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक जॉइंट है, ओके। तो ये जॉइंट हमें यहाँ पे करना है तो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा ऊपर में चढ़ के, तो उससे रिलेटेड से यहाँ पे आपको जो है प्लेटफॉर्म बना के देना पड़ेगा पहले ही, ठीक है। जब आप फैब्रिकेशन करो ये सब आपको ड्राइंग में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको खुद से प्लान करना होगा। यहाँ पे आपको कुछ मतलब फोल्डिंग सिस्टम या कुछ भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ताकि इसको हम यहाँ पे प्लग करके और इसको यहाँ पे हम कुछ प्लेटफॉर्म टाइप का बना सके, तो उस टाइप से आपको यहाँ पे बना के देना पड़ेगा ताकि इरेक्शन जो है इसके ऊपर चढ़ के किया जा सके, ओके। उसके बाद यहाँ पे जैसे ऊपर आदमी कैसे जाएगा तो उसके लिए भी आपको जो पहले ही प्लान करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई लैडर वगैरह या मंकी लैडर वगैरह कुछ फैब्रिकेशन में ही आपको इसका जुगाड़ करके और भेजना पड़ेगा, वरना फिर आपको जो है दिक्कत हो जाएगी, आदमी यहाँ पे चढ़ेगा कैसे, इस पे काम कैसे करेगा। तो वो सब जो है पहले आपको ध्यान में रखना है और पहले आपको प्लान कर लेना है, ओके। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो गया वही जुगाड़ से रिलेटेड, मतलब मान लीजिए इसको अगर हम क्रेन से उठाते हैं, ठीक है, तो उसको उसका जो हुक है सीलिंग है वो किस तरीके से खोला जाएगा, कैसे उसमें जो है जाने का जुगाड़ है, जाने का रास्ता है, अंदर में हम इसका जो है मंकी लैडर डालें या बाहर में डालें, वो सब आपको लोकेशन के हिसाब से देखना होगा। मान लीजिए बाहर में उस तरीके का जगह नहीं है सीढ़ी डालने के लिए तो आपको जो है अंदर में डालना पड़ेगा, या जो इसका सीलिंग है वो अंदर में कहीं कहीं कोन में या शंकु में या चिमनी में क्या होता है कि इसका जो हुक रहता है वो अंदर में रहता है इस तरीके से, है ना, यहाँ पे हुक रहता है। तो फिर उस केस में आपको जो है अंदर से इसका स्टेयर से देना पड़ेगा, सॉरी मंकी लैडर या जो भी लैडर है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सब जो है चीज़ आपको जो है बिल्कुल बेसिक है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सब जो है हमारा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं ये सब बता रहा हूँ। तो ये सब कोई रूल्स नहीं है लेकिन ये सब बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये सब चीज़ का ध्यान नहीं रखते तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप जो है इन सब बातों को ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए काम करें। तो आई होप आपको मैंने जो भी पॉइंट्स बताए वो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए क्योंकि उसमें मैंने जो है बहुत सारा नॉलेजेबल कंटेंट जो है डाल के रखा हुआ है, ओके। और आने वाले वीडियोज़ में हम आपको जो है पार्ट बाय पार्ट कैसे चिमनी जो है रेडी करना है, कैसे फैब्रिकेशन करना है वो हम बताएंगे। अभी तक हमने जो है इसका जो भी फॉर्मूला वगैरह वो सब हमने अभी तक बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।